नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल एचटी डीजे ब्लॉग में। और दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने इस ऑफिस में आया हूँ। ये हमारा ऑफिस हमारी फैक्ट्री पर है और काफी लोगों को लगता था कि भाई ये तो फालतू में ऐसे ही बोलते हैं, हमारी फैक्ट्री है, हमारा ऑफिस है। लेकिन एक्चुअली ये ऑफिस मैंने फिलहाल बंद कर रखा है क्योंकि अभी यहाँ पर मीटिंग नहीं करता हूँ। जो ऑफिस हमारा काफी लोग मिले हैं वहाँ पर, बहुत छोटा सा अपने ऑफिस बनाया है वहाँ पर, तो अभी वहाँ सारी मीटिंग वहीं पर करते हैं। आपको आज यहाँ लेके आने का पर्पज आपको अपनी फैक्ट्री का विजिट करना था कि हमारी फैक्ट्री में अभी क्या क्या बन रहा है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट कुछ महंगे हैं, मार्केट से महंगे हैं, क्योंकि क्वालिटी टॉप ऑफ द लाइन, मतलब जो आप ओरिजिनल लेते हैं बिल्कुल सर जितो कॉपी आपको यहाँ पर मिलता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लाइनरेज रखे हुए हैं, ऐसे वहाँ पर कुछ कॉपी रखे हैं। तो आपको मैं एक छोटा सा अभी व्यू दिखा देता हूँ और इसके बाद अपने चलते हैं फैक्ट्री का विजिट करते हैं। अपने पूरी फैक्ट्री का आपको व्यू दिखाता हूँ कि हमारी फैक्ट्री में जो अभी करंटली क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। जैसे कुछ लाइनरीज बन रही हैं, कुछ सिंगल बेस हैं, कुछ टॉप्स हैं, तो वो जो बन रहे हैं उनको आपको बनते हुए भी दिखा देता हूँ। फ्लैट केस जो बन रहे हैं वो दिखा देता हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि अभी हमारी ये फैमिली बहुत छोटी है। इस फैमिली को हमें बहुत बड़ा करना है और ये बिना आप लोगों की सपोर्ट के नहीं हो सकता। तो आप लोगों का इतना सपोर्ट जरूर चाहिए कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे एचटी डीजे व्लॉग्स की इस फैमिली से जुड़े और क्या हमारा फैमिली ये बड़ा हो सके। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक छोटा सा व्यू अपने इस ऑफिस का, या और मैं कहूँगा कि हाँ थोड़ा डस्ट हो रखा है यहाँ पर, लेकिन जैसा भी है एक ऑफिस था हमारा पहले, अभी फिलहाल हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे और इसके बाद चलते हैं फैक्ट्री विजिट करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, ये हमारे यहाँ लाइनरेज टंगे हुए हैं जो हमने पहले तैयार किए हैं और ये हमारे डिस्प्ले में रहते थे, अभी भी हैं, लेकिन अभी हम इन्हें हटाने वाले हैं बहुत जल्दी ही। फिलहाल ये क्या आप वर्टेक 4888 मॉडल जो होता है JBL का, उसका जैसा दिखने वाला एक मॉडल है। फिनिश आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिश हमने की हुई है, और बट बहुत क्लियरली है कि कोई ब्रांड का नेम हम मेंशन नहीं करते हैं इसके ऊपर। और आप ये साइड से फिनिश देखिए, ये दूसरा मॉडल है, यहाँ पर आप देखिए जाली की फिनिश, कि जाली कितनी अच्छी हम क्वालिटी की हम लगा रहे हैं। अच्छा फिनिश जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर एडजस्टमेंट है कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप जिस एंगल पर चाहें उस एंगल पर जाकर अपने लाइनरे को एडजस्ट कर सकते हैं। और इधर आप टेक्स्चर फिनिश देखिए कि जो टेक्स्चर का फिनिश है वो कितना अच्छा क्वालिटी का किया हुआ है, एकदम स्मूथ फिनिश, कितना बहुत ही अच्छा फिनिश हम करते हैं इसमें। और इसके साथ साथ आप अपने फिटिंग को देखिए और बैक पैनल देखिए कि बैक पैनल हमारा रहता है यहाँ पर, ये इसका जो हैंडल फिटिंग्स है जिससे आप इसे उठा सकते हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बनाया हुआ है हमने। इसके साथ साथ आप आगे चलिए और देखिए पूरा थोड़ा सा एक बार मॉडल को देखिए, दोनों मॉडल हमारे साथ साथ टंगे हुए हैं। अब ये वो आपका RCF मॉडल था और ये वर्टेक मॉडल है। फ्रेश जैसे आप देखेंगे, ये मेरे कुछ लाइनरेज के सैंपल रखे हुए हैं जो हमने पहले यहाँ बना कर रखे थे, और ये हमारे आप देख रहे हैं मॉनिटर वगैरह, ये अभी हमारा पूरा फैक्ट्री का सामान यहाँ पर रखा हुआ है, कुछ नेटवर्क वगैरह, ये 12 का, और ये हमारी चेयर्स वगैरह जो हमारे विजिटर्स के लिए हुआ करती थी। और यहाँ पर हमने एक ये फ्लाइट केस में बनाकर सोफा रखा था, अभी आप देख रहे हैं क्या हालत है, पूरा डस्ट हो रखा है, गंदा हो गया है, बट कोई नहीं, ऑफिस तो ऑफिस है। तो दोस्तों चलो चलते हैं और अपने फैक्ट्री का एक व्यू देखते हैं। फिलहाल आप इसे देखिए, ये लाइनरेज की क्वालिटीज है हमारी जो हमने बनाई है पहले, तो आइए चलते हैं और फैक्ट्री का मजा लेते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं अपने फैक्ट्री एरिया में, और फैक्ट्री एरिया में भी प्रोडक्शन चल रहा है, काफ़ी आपको लगता है साउंड आएगा पीछे से, काफ़ी नॉइस आ सकता है, तो उसके लिए क्योंकि
यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम होगा, काम तो रोक नहीं सकते। अभी जल्दी जल्दी फटाफट से जो जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ बन रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ऐसा नहीं है लिमिटेड यही है, इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट आप बोलते हैं वो ओरिजिनल की तरह बिल्कुल आपको वैसे ही अच्छी क्वालिटी में मिलेगा जैसा कि आप ओरिजिनल देखते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं अभी क्या क्या प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने पहले देखा था, ये हमारा FBT बेस है, इसकी अलग से वीडियो भी मैं बनाऊंगा अभी बाद में दोबारा से। ये एक सिंगल 15 का, यहाँ पर काफी सामान है जो अभी बना हुआ है, पैक है और बारिश के कारण ढक्के रखा हुआ है हमने। ये फ्रेंड्स हमारे लाइनरेज हैं, लाइनरेज आप देखेंगे 4888 मॉडल है ये, यहाँ पर 3 नट्स लग रहे हैं, अभी ये तैयार हो रहा है। और ये एक पीस में भी आप देख सकते हैं कितने पीस हम लोग रेडी कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर ऑर्डर्स आते हैं और हम लोगों को वही बोलते हैं कि 7 से 10 दिन का समय लेके चलिएगा, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर काफ़ी रहते हैं और रेडी स्टॉक नहीं रहता है, माल बनेगा और चला जाएगा। तो आप ये सोच के मेरे पास कभी भी ना आए कि आप आएंगे और आपको रेडी स्टॉक मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग सारा माल ऑर्डर पर बना रहे होते हैं। अभी आप देख सकते हैं सामने 15 अब, क्योंकि ये फैक्ट्री एरिया है, यहाँ पर लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लाइट काफ़ी कम है, फिर भी इस लो लाइट के अंदर जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप पेंट का फिनिश आप खुद देखिए। यहाँ पर हमारा हैंगिंग प्रोविजन जैसा कि ओरिजिनल कैबिनेट्स में आता है वैसा किया जाता है इसमें, और इसका थोड़ा सा बैक साइड व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बैक प्लेट के लिए स्पेस है, ये बैक प्लेट हम प्रोवाइड करते हैं साथ में, लेकिन आपकी जो कैबिनेट होती है उसके अंदर डाल देते हैं ताकि जब आप क्या इसको लगाने जाएंगे तो उसी समय पे आप इसे फिट करें। ये इसका फ्रंट व्यू आप देखेंगे, और ये हमारे यहाँ पर कैबिनेट्स रखी हुई है बनकर, इनमें अभी जालियां कसनी बाकी है। यहाँ पे आप लाइनरे का फ्रिज देखिए, जो भाई क्वालिटी को समझते हैं वो मेरे ख्याल से इस वीडियो में ही समझ जाएंगे कि हम किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये आपका बैक एरिया आ गया, काफ़ी लो लाइट है यहाँ पर क्योंकि फैक्ट्री में उतनी जरूरत नहीं होती लाइट की, थोड़ा सा मैं आपको इसे और दिखा देता हूँ। अभी ये बैक मॉड्यूल है इसका जो इसमें लगना है, आप इसका क्वालिटी देखिए, इस प्लेट की आप थिकनेस देखिए, थिकनेस कितनी है। तो कोई भी माल हम लो क्वालिटी में लगाते ही नहीं है, सारा माल हैवी क्वालिटी में होता है और क्वालिटी का ही प्राइस होता है। इसी तरह इसका ये जो जाली लगना है, लोग काफ़ी हल्की क्वालिटी के लगाते हैं, लेकिन आप हमारे इसमें देखिए, इसका गेज देखिए कितना हैवी गेज हमने इसमें लिया हुआ है। फ्रेंड्स, अभी ये जो हमारी कैबिनेट्स बनी हैं परटेक, ये सारी अभी इंडियन प्लाई में है, ऑन ऑर्डर है। ज़्यादातर हम लोग जो हमारी लाइनरेज होती हैं उनको हम तैयार नहीं करते हैं इंडियन प्लाई में, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट इंडियन प्लाई में तैयार रह गई है। अदरवाइज़ हम ये सारी जो कैबिनेट होती हैं खासतौर पर लाइनरेज की,
वो बर्ड्स फ्लाई में ही रेडी करते हैं। अभी मैं आपको जो अंडर फिनिशिंग चल रहा है वो आप देखिए। आप प्लाई की क्वालिटी देखिए, यहां पर जिस तरह की लकड़ी की, मतलब अगर यहां पर प्लाई की जगह हमें ठोस लकड़ी लगानी है तो वो हमने लगाई है, तो इसी तरह से हमने पूरा केयर करते हैं कि आपकी कोई भी कैबिनेट जो बने वो अच्छी क्वालिटी में बने। ऐसे ही एक इंडियन प्लाई में VRX 232 का डिमांड था, तो उसका हम ये अभी तैयार कर रहे हैं। ये पेयर ये भी इंडियन प्लाई में है, लेकिन फ्रेश आप देख सकते हैं। ये आप देखेंगे सिंगल बेस तैयार हो रहे हैं, सिंगल 18 के जो बेस होते हैं। ये STX मॉडल है, अभी ये सारे बेस हमारे उल्टे रखे हुए हैं क्योंकि धूप में सूखने के लिए रखे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे काफी कोट हम लगाते हैं, तो हर एक कोट के बाद से सुखाते भी हैं धूप में, और बारिश के मौसम में कई बार ऐसा होता है कि बारिश आने के कारण हमारा माल जल्दी सूख नहीं पाता क्योंकि पेंट काफ़ी हैवी क्वालिटी का रहता है, तो इसके कारण से कई बार प्रोडक्शन में डिले भी हो जाता है। अब ये इसका अंदर का व्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सारे टी नट्स लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, लकड़ी है, तो इसमें एक बार दो बार तीन बार चार बार भी ऑफिस आएंगे तो इसमें जल्दी ये खराब नहीं होगा। ऐसे ही नीचे आप देखिए ये लकड़ी लगाई हुई है, ऊपर भी लकड़ी लगाई हुई है, यहाँ पर तो जहाँ पर जाली लगनी है उसको हमने कवर किया है। अभी यहाँ पर रेगमार्क लग रहा है तो आपको थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा होगा, और ऊपर से आप देखिए यहाँ पर इसमें गुल्ला लगाने के लिए प्रॉब्लम है। यहाँ पर इसमें गुल्ला लगाने के लिए प्रॉब्लम है ताकि आप इसके ऊपर अपना लाइनरे को उतार सकते हैं। यहाँ पर STX सिंगल 18 का मॉडल है, और इसको हम चाहो तो देख रहे थे। अब ये सारे फ्रेश होने के लिए चाहिए, अब यहाँ पर देखना जा रहा है। ये हमारा फ्लाइट केस सेशन है, यहाँ पर फ्लाइट केस बन रहे हैं जो अभी रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर हमारा फ्लाइट केस बन रहा है, ये अभी लगे हुए हैं, सारे काम हो रहा है, और इसी तरह से देखिए हमारा बहुत सारे फ्लाइट केस बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपना फैक्ट्री विजिट करा दिया है आज ही, और आपने देखा होगा आपने सारे प्रोडक्ट ऑलमोस्ट देख लिए हैं, सिंगल बेस देख लिया है, इसमें टॉप देख लिए हैं, लाइनर्स देख लिए हैं, डबल बेस थे अभी चले गए हैं, FBT का मैंने आपको बाहर से दिखा दिया है, इनके इंडिविजुअल वीडियो में बना दूंगा कि जब FBT हमारा कैसा दिखता है वो दिखा दूंगा, डबल बेस कैसा होता है वो भी मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं ऊपर लिंक में जाकर, और डबल 15 की कैबिनेट आपको दिखा चुका हूँ पहले भी। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और इसी तरह से आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते रहेंगे। ये डिस्टर्बेंस जो आ रही है इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि फैक्ट्री में काम तो रोक नहीं सकते हैं, तो आप लोगों के लिए खास तौर पे आज मैं इस फैक्ट्री में आकर अपना वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कितनी मेहनत लगती है एक सामान को तैयार करने में और कितना समय लगता है। जैसे आपने देखा कि कैबिनेट को एक बार पे कोट मारने के बाद उसे सुखाना पड़ता है, फिर फर्स्ट कोट लगता है, फिर उसे सुखाना पड़ता है, ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स हमें करना पड़ता है कि हम पेंट करते हैं, फिर उसे सुखाते हैं, फिर उसको कभी पट्टी लगानी है, कभी कुछ करना है, तो ऐसे हमारी प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। तो जब भी आपको ऑर्डर करना हो आप 7 से 10 दिन का समय लेकर चलिए कि प्रोडक्शन टाइम 7 से 10 दिन का रहेगा, उसके बाद जो आपका ट्रैवल टाइम है, ट्रांसपोर्ट टाइम है, वो अलग से लगेगा। यानी कि अगर 10 दिन सपोज हमारे पास लग गए और आपको 5 दिन का समय अगर ट्रांसपोर्ट ने लिया तो 15 दिन का समय आपके पास होना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।